नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव को दो हिस्सों में बांटने के बाद अब इसकी लपटें इंदौर में भी दिखाई देने लगी हैं। लिहाजा इसके लिए अब कांग्रेस मुखर होती दिखाई दे रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भोपाल को दो हिस्सों में बांटने वाली कमलनाथ सरकार की मांग को मंजूरी मिलने के बाद अब इंदौर को भी वार्डों की संख्या के आधार पर दो हिस्सों में बांटने की मांग उठ रही है। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर भोपाल की तर्ज पर इंदौर को भी दो नगर निगम सहित दो महापौर की मांग की है। इस पत्र की सुगबुगाहट जैसे ही राजनीतिक गलियारों तक पहुंची, इंदौर में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सीएम को निगम विभाजन का पत्र लिखने वाले राकेश सिंह यादव ने मीडिया से चर्चा में भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर की सीमा से लगने वाले कई क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। विकास के नाम पर इंदौर में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो भोपाल के संबंध में निर्णय लिया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि जब शहर बहुत बड़ा हो जाता है और लोगों को नगर निगम में रोज़ ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए 12-12, 15-15 किलोमीटर तक आना और दिन भर उनको परेशान होना और किसी अधिकारी का ना मिलना तो फिर 2-3 दिन तक चक्कर लगाना, उससे व्यक्ति की एक तो आर्थिक हानि होती है, उसको परेशानी होती है। इन सबको देखते हुए जो भोपाल का निर्णय है वो अति उत्तम है। इसी को देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उनसे चर्चा की है और उनको सारे डाटा के साथ एक पत्र भेजा है कि इंदौर और भोपाल में ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग सीटें भी समान हैं। क्षेत्रफल में भी आप माने तो इंदौर उतना हो गया है जितना भोपाल है और जनसंख्या के मामले में इंदौर और आगे है। इसके दो भाग हो जाते हैं और दो नगर निगम बन जाती हैं, दो परिषद बन जाती हैं, तो इंदौर का जो विकास होना वो भी सुव्यवस्थित होगा। इस पत्र व्यवहार पर मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि गंभीर विचार कर इंदौर के हित में निर्णय लिया जाएगा। वहीं इंदौर की महापौर मालिनी गौर ने इस मामले को लेकर मीडिया के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इंदौर में एक व्यक्ति निगम संभालता है लेकिन कांग्रेस सरकार में है, कुछ भी कर सकती है। अभी इस पे विचार कर रहे हैं, चिंतन चल रहा है, मनन चल, इससे बांटने की बात नहीं कर रहे, हम विकास को लेकर चल रहे, इससे विकास में गति आई, एक और एक 11 होते हैं, विकास अच्छा होगा। गंभीरता से विचार चल रही है सरकार, बांटने की बात नहीं कर। मुझे नहीं लगता है कि दो हिस्सों में बांटना चाहिए, क्योंकि शहर 35 लाख की जनसंख्या का है, चूँकि दिल्ली मुंबई जो महानगर की श्रेणी में आते हैं वहाँ ये कारगर होती है ये योजना, लेकिन इंदौर शहर अभी हम जिस प्रकार से संभाल रहे हैं, 3 बार स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार है, सरकार चाहे जो कर सकती है, सरकार के निर्णय होंगे ये, चूँकि आवश्यकता नहीं है। इंदौर शहर पूरा एक व्यक्ति संभाल सकता है, पूरी परिषद संभाल सकती है, और अभी आप देख ही रहे हैं कि 4 बार से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इंदौर शहर को संभाला, तो कहीं कोई आवश्यकता नहीं है कि दो महापौर किए जाएं। सभी वार्डों में सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली चल रही है, तो कहीं कोई आवश्यकता नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम ने तेजी से विकसित इंदौर के लिए निगम को दो हिस्सों में बांटना सही बताया। वहीं इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने इस मामले को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही। यहां तक मेरी जानकारी है कि वास्तव में चुनाव के 6 महीने पहले ये परिसीमन की प्रक्रिया होना चाहिए, उसको भी उन्होंने कार्यकाल को घटा के इस प्रस्ताव के अंदर 2 महीने का प्रस्ताव किया है। हम लीगली उसको देख रहे हैं और अगर उसमें लीगली सरकार गलत उसमें है तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए, अगर इंदौर जिस तरह तेजी से विकसित हो रहा है और जिस तरह से इंदौर का विकास करना चाहिए वो शायद एक महापौर के रहते नहीं हो पाएगा, तो दो नगर निगम में अगर शहर की भलाई होगी, शहर को दो महापौर मिलेंगे और वो अपने अपने इलाके में अपना अपना काम करवा पाएंगे, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। अगर हमारे
मंत्री जयवर्धन सिंह जी जिनका डिपार्टमेंट है उनकी राय होगी और ये सारी चीज़ें सफल होगी, तो हम कांग्रेस कभी भी एक मानसिकता नहीं रखती कि एक व्यक्ति को फ़ायदा मिले। कांग्रेस हमेशा देश प्रदेश के लिए सोचती है और अगर ये सही होगा तो इसको लाने में कोई हर्ज नहीं है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में निगम और नगरीय निकाय चुनाव में समय है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में चुनावी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।